हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? नाउ पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, पार्ट थ्री। इन माय लास्ट पार्ट आई हैव टॉट यू कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई हैव टोल्ड यू इन दैट चैप्टर, सॉरी दैट पार्ट, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर देन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स और कंपाउंड्स combine together to form a single molecule, and in decomposition reaction a single compound decomposes either by means of electricity or by means of heat or by means of sunlight, get decomposed into two or more simple compounds or molecules. So these two reactions are अपोजिट ऑफ ईच अदर। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन आप क्वेश्चन आपको मिल सकता है बोर्ड में, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। कमेंट, सो यू कैन राइट सिंपली इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैंने बता दिया क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बता दिया है क्या होता है। ओके, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन थर्ड पार्ट, इन माय थर्ड वीडियो, दिस वीडियो। ओके, थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is displacement reaction? Displace. Displace का मतलब क्या होता है? हटाना, replace कर देना, displace कर देना, displace अपनी जगह से हटा देना, displace. Okay? अपनी जगह से हटा देना। इसमें क्या होता है, एक high reactive element atom एक less reactive element को अपनी जगह से displace कर देता है। In displacement reaction, a high reactive atom or molecule replaces a less reactive atom. Okay? We see some examples. A reaction between zinc and CuSO4. Between Fe and CuSO4, यहाँ पर हम जिंक को सॉलिड फॉर्म में लेंगे, Fe सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये दोनों जो सॉल्यूशन होंगे एक्वस फॉर्म में लिए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर आ जाएगा। कैसे, देखिए, ZnSO4 एंड Cu विल डिस्प्लेस। यहां पर आप लिख सकते हैं सॉलिड एंड एक्वस, ऐसे यहां पर भी होगा Fe SO4 एक्वस एंड Cu
will be displaced. Zinc ने copper को अपनी जगह से displace कर दिया. अगर हम इसको repeat करते हैं, मान लीजिए second point था ये, अगर हम copper यहां पर लें और zinc sulfate का solution लें, तो पता है क्या होगा, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल. व्हाई? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. आई हैव टोल्ड यू इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट और एटम, अ हाई रिएक्टिव एटम डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एटम. जैसे अगर आपके स्कूल में ड्यूरिंग ए क्लास अगर प्योन को नोटिस लेके आता है तो सारे बच्चे खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि प्योन आपसे या आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनसे लेस इफेक्टिव है. और अगर प्रिंसिपल सर आ जाए तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपसे वो और आपके टीचर से मोर इफेक्टिव हैं. तो उसी इफेक्टिव को हम लोग यहाँ पर रिएक्टिव टर्म यूज कर लेते हैं. जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो इफेक्टिव है वही रिएक्टिव है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में. मीन्स अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मोर रिएक्टिव है या कॉपर मोर रिएक्टिव है या जिंक मोर रिएक्टिव है, कौन सा किससे मोर रिएक्टिव है? इसके लिए एक टॉपिक है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज. आपको इसे समझना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझना होगा आपको. इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, यहां पर भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं उसको. आप इतना समझ लीजिए, जब आप इसको जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के नीचे दिए गए हैं. ऊपर नीचे का क्या मतलब है, किसी बुक में डिफरेंट है. एक्चुअली ये जो वैल्यू होती हैं, ई नॉट वैल्यूज होती हैं इनकी, ये क्या है इसको बाद में बात करेंगे. ई नॉट वैल्यूज, इसकी ई नॉट वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है. हाइड्रोजन हैज ई नॉट वैल्यू 0.0 वोल्ट. कॉपर सिल्वर जो होते हैं ये लेस एक्टिव एलिमेंट है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है. तो जब आप ये पढ़ेंगे वहां पे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव किससे कम है किससे ज्यादा है, वो इसमें क्लियर होगा आपको. ओके, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, also you can say it partner exchange reaction. Partner exchange reaction. Okay, what happens in this reaction? Is reaction mein kya hota hai? पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं तब आपको समझ आएगा. जैसे AgNO3 एंड NaCl, आप देख रहे हैं यहां पर कौन कौन से कैटायन से लाइन्स हैं. Ag प्लस होगा, NO3 माइनस वन होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा. यू नो वेरी वेल ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ड्यूरिंग द कैटायन एंड एनायन, तो पार्टनर एक्सचेंज इसको लिया है मैंने नाम. Ag का कंपाउंड पहले NO3 से बना हुआ था, Ag NaCl को बनाएगा नहीं क्योंकि दोनों ही कैटायंस हैं.
AU कंबाइन करा दीजिए Cl से और इसे कंबाइन करा दीजिए Na से, तो क्या बनेगा कंपाउंड AgCl और NaNO3। यहाँ पे देखिए इसका पार्टनर था इसके साथ चला गया और इसका जो पार्टनर था वो इधर आ गया, डबल मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों ही कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों के कैटायंस और एनायंस में पार्टनर एक्सचेंज हुए हैं, कैटायन एनायंस एक्सचेंज हुए हैं, मीन्स इन दिस रिएक्शन कैटायंस एंड एनायंस एक्सचेंज देयर पोजीशंस, यू कैन से इट। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल इसका हम और देख लेते हैं, बी ए सी ये है सिल्वर नाइट्रेट, ओके सिल्वर नाइट्रेट बी ए सी एल टू प्लस एच टू एस ओ फोर, बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये लिया हम लोगों ने, यहां पे आप देख रहे हैं इसके इसकी एक्सचेंज होंगे बी ए टू प्लस सी एल माइनस वन एच प्लस एस ओ फोर माइनस टू, देख लीजिए आप बी ए किससे बनाएगा, सल्फेट से बनाएगा बी ए एस ओ फोर, ये भी प्लस टू ये माइनस टू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा बी एस ओ फोर, एच प्लस सी एल माइनस यू विल गेट एच सी एल, चलिए बी एस ओ फोर इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि अगर आप ये बेरियम क्लोराइड को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट कराएंगे तो यू विल गेट व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई हैव टोल्ड यू द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट, इट मे बी ऑफ व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, here it is white color, it will written as white PPT, okay. Now fifth one is oxidation reduction reaction, okay. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, आप एक तरफ लिख लें ऑक्सीडेशन, आप लोग उसके नोट्स बनाते चलें, जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी एटम से ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका अपोजिट क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का निकलना ये होता है, ओके। इसका बी पार्ट देखते हैं, रिमूवल of hydrogen
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का रिमूव होना बी ऑक्सीडेशन है। जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज रिडक्शन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द रिडक्शन। ये तीन पॉइंट है। एक पॉइंट और भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो आप इसको समझ जाएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा आपको ऐसे ही, एडिशन रिमूवल। तो तीन पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप समझ लें पहले। अब अगर आप यहां से लें रेड, इससे हम बोले कि हमने लिखा रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यहां से आप ले रेड, यहां से ले ऑक्स, तो ये क्या बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। हाउ विल यू डिफाइन इट, मींस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। किसी भी मॉलिकुलर रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस साथ में ही होती है, तभी रिएक्शन पूरा होता है। इन दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे के सॉरी दूसरे ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। जहां पर ये रिएक्शन होगी वहीं पर ये रिएक्शन भी हो रही होगी, तो हम लोग बोलते हैं उसको वी कॉल इट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक इसको एग्जांपल देने से पहले एक चीज हम और बात कर लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर लिए The species where oxidation occurs, the species where oxidation occurs is known as reducing agent. सब्सटेंस, अभी मैं आपको एग्जांपल से इसको शो ऑफ करूंगा आपको कैसे इसको आप समझेंगे। आप अभी आप समझ जाइए कि जिस स्पीशीज पर ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन में, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका उल्टा क्या है, द स्पीशीज वेयर रिडक्शन अकर्स, द स्पीशीज वेयर रिडक्शन अकर्स इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। जहां पर ये हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे आप समझेंगे उसको, आप इस पूरे को आप पहले नोट कर लें फिर वो आगे बढ़ते हैं।
एक कार्बन, पहला एग्जांपल ले रहे हैं इसका हम लोग, फर्स्ट एग्जांपल कार्बन है, ये दोनों दे आर द रिएक्टेंट्स, क्या बनेगा अभी बात करते हैं। सी रेडन ओ, इट विल फॉर्म सी ओ प्लस जेड एन। आपसे ऐसे पूछा जाएगा रिएक्शन रिएक्शन कहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ, कौन सी स्पीशीज पे हुआ और विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Which is reducing agent? Okay, अब देखिए ये C था और इसमें ऑक्सीजन एड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सी में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसे क्या कहते हैं, अगर आप किसी में किसी भी स्पीशीज में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इट मीन्स एट सी क्या हुआ है, सी पर हो रहा है ऑक्सीडेशन सी के ऊपर। और जिंक में आप देखें ZnO पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ है, देखिए पहले ऑक्सीजन ऐड थी, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एट जेड एन ओ एट सी, सी में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। जबकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। देखा है मैंने अपोजिट इसका क्या होता, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिखेंगे इसमें, सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहां पर सॉरी जिंक ऑक्साइड हो रहा है रिडक्शन, इट मींस जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सी पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, इट मीन्स दैट इट इज सी इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चारों चीजें आप ध्यान से समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्लियर विल बी द कॉन्सेप्ट। ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, अभी देखिए बाकी आप लोग और कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। जिंक SO4 कॉपर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यू विल गेट जिंक एंड CuSO4 ऑक्सीडेशन, सॉरी CuSO4। जिंक यहां पर इसकी वैलेंसी जीरो होगी, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर प्लस 2 SO4 माइनस 2, जिंक प्लस 2 SO4 माइनस 2 कॉपर 0। ये कॉन्सेप्ट, ये मैंने 2 या 0 लिखा है, ये मैंने वैलेंसी जब आप क्लियर पढ़ेंगे तो आप
को क्लियर होगा, वैलेंसी के लिए आई विल मेक सेपरेट वीडियो। ओके, यहां पर इसकी वैलेंसी जीरो है जिंक की इन द लेफ्ट हैंड साइड, बट हियर इट्स वैलेंसी इज प्लस टू, मींस जिंक हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, जिंक हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट मींस देयर इज ऑक्सीडेशन, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक, जिंक पे क्या हुआ है, एट जिंक इट इज ऑक्सीडेशन, एट जिंक इट इज ऑक्सीडेशन। ओके, इट मींस जिंक इज रिड्यूसिंग इज एट। इसको देखिए, यहां पर इसकी कॉपर की वैलेंसी है प्लस टू, यहां पे क्या हो गया जीरो, कॉपर की वैलेंसी प्लस टू है, इट मींस इट हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, बट आफ्टर टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, मींस जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस किए थे, दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, वैलेंसी बिकम्स, मींस इट बिकम्स स्टेबल, सी यू, वैलेंसी जीरो, प्लस टू जीरो, इट मींस दैट इट इज, यहां पे आप देख सकते हैं लॉस ऑफ, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस एट सी ओ जीरो, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी ओ फोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं इसके। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, वो हम देखते हैं, इसको पहले हम नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। दो मेन पॉइंट है इसके, अब हम डालेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कोरोजन एंड सेकेंड इज रेजिडिटी। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेजिडिटी। व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन, आपने देखा होगा मेटल्स की सरफेस, जब मेटल्स की, अगर आप किसी मेटल को कट करते हैं तो उनकी सरफेस बहुत शाइनी होती है, सरिया जब आप देखा लोहे की सरिया, जब नई नई सरिया आती है तो कैसी शाइनी होती है, लेकिन व्हेनेवर इट कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर आफ्टर सम टाइम अ ब्राउनिश लेयर फॉर्म्स ओवर इट, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। ऑलमोस्ट हर मेटल में ऐसा होता है, कुछ मेटल्स गोल्ड वगैरह हैं वो बहुत लेस रिएक्टिव हैं, गोल्ड है सिल्वर है उन पे इसका फर्क नहीं पड़ता है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव हैं, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली मेटल्स में कोरोजन होता है। एंड व्हेन कोरोजन अकर्स इन केस ऑफ आयरन, द सेम कॉन्सेप्ट इज नोन एज रस्टिंग, मींस बाकी सबके लिए, बाकी एलिमेंट्स के लिए वो कोरोजन है,
लेकिन वही कोरोजन जब आयरन के केस में हो रहा है तो उसी कोरोजन को वी से रस्टिंग, ओके आप नोट कर सकते हैं. व्हाट इज कोरोजन? द स्लोली डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे? द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन इज नोन एज कोरोजन. आपसे पूछे कि कोरोजन का रीजन क्या है, मेन रीजन, तो आप बता सकते हैं. आप कुछ ना लिख पाए, आप बता सकते हैं ड्यू टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एक नंबर का आंसर. पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली राइट एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन. बट व्हेन द कोरोजन अकर्स इन केस ऑफ आयरन इट इज नोन एज रस्टिंग. बोर्ड में पूछते हैं हाउ द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड. तो प्रिवेंट करने के लिए आप सिंपल से मेथड्स हैं, ग्रीस को अप्लाई कर दीजिए मेटल सरफेस के ऊपर, ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, पेंट अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी आते हैं एंटी रस्ट मटेरियल्स हैं जो कि पेंट्स में मिले होते हैं. बाकी और भी मेथड्स हैं. यू हैव सीन यू नो अबाउट गैल्वनाइजेशन. व्हाट इज गैल्वनाइजेशन? एक एग्जांपल देते हैं गैल्वनाइजेशन. What is galvanization? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए. What is galvanization? But it is an example of corrosion. Okay? एक मेटल है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम उस केस में, एल्यूमिनियम के केस में रस्टिंग उसके लिए बेनिफिशियल है. केवल एक एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम. बाकी मेटल्स की सरफेस धीरे धीरे कोरोड होती रहती है. लेकिन अगर आपसे पूछे द नेम द मेटल फॉर विच कोरोजन इज बेनिफिशियल, तो योर आंसर विल बी एल्यूमिनियम. बिकॉज एल्यूमिनियम व्हेन द एल्यूमिनियम कम इन कॉन्टेक्ट विद एटमोसफियर, एल्यूमिनियम है व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एटमोसफियर ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ फोर एल थ्री ओ टू. It is aluminium oxide. Aluminium oxide. When aluminium comes in contact with atmosphere, it forms a layer of aluminium oxide over it, which prevents its further oxidation. Sorry, further corrosion. Iron में एक बार हो गया, फिर वो gradually क्या होगा कि धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा. एक condition ऐसी आती है कि आप किसी, आपने देखा होगा किसी पुरानी बिल्डिंग में कोई लोहे की सरिया लगी हो, उस सरिया को आप आराम से मोड़ सकते हैं, लेकिन नई सरिया को नहीं मोड़ सकते हैं आप. आयरन की रॉड जो खिड़की में सरिया लगाई जाती है, अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग में लगी हो, उसके ऊपर जंग लगी हो, तो आप उसे आसानी से मोड़ सकते हैं. बट एल्यूमिनियम ऐसा नहीं होता है. एक बार उसके ऊपर फ्रेशली कट एल्यूमिनियम एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आया, उसके ऊपर लेयर बन जाती है. आफ्टर दैट आप उसे पानी में डाले रहिए, there will be no effect. अब देखिए corrosion के लिए दो condition समझ लीजिए. conditions क्या होती है corrosion के लिए? first condition is presence of presence of moisture. दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड है कोरोजन के लिए. ऑक्सीजन भी होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए. दोनों में से कोई अगर एक चीज होगी तो कोरोजन नहीं होगा. इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी है, आप 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए. ए बी सी, और तीनों में एक एक लोहे की कील डाल दीजिए, बिल्कुल नई आयरन नेल. तीनों में हमने एक आयरन नेल डाल दी, जो बिल्कुल न्यू आयरन नेल हम लोगों ने डाल दी. ओके, हियर वी हैव टेकन नॉर्मल
and water. नॉर्मल टैप वाटर लिया हम लोगों ने. सेकंड केस में आई हैव टेकन बॉइल्ड वाटर एंड इन थर्ड केस अ स्मॉल पैक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअली इट इज अ एनहाइड्रस सब्सटेंस मींस इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. यू कैन से मींस अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर नमी होगी कैल्शियम क्लोराइड मेक्स दिस टेस्ट ट्यूब एनहाइड्रस. नमी बिल्कुल होगी सोख लेगा मॉइस्चर बिल्कुल भी जो भी होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. देखिए नॉर्मल ए वाले में नॉर्मल वाटर है मॉइस्चर भी है. और पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें तीन टेस्ट ट्यूब लिए हैं यहाँ पर आई हैव टेकन नॉर्मल टैप वाटर बॉइल्ड वाटर सेकंड में और थर्ड केस में CaCl2 लिया है किस केस में कोरोजन होगा ए बी या सी. इसमें कोरोजन सिर्फ ए वाले में होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पानी की मैंने बॉयल तो क्या नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगी और मॉइस्चर भी पानी के अंदर होगा. पानी में मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन भी है. इस केस में मॉइस्चर तो है बट देर इज नो ऑक्सीजन. बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहेगी. यहाँ पर अगर आप किसी फिश को बॉइल्ड वाटर में डालें तो वो जिंदा नहीं रहेगी. अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इसको. बॉइल्ड वाटर हियर ऑक्सीजन तो है बट देर इज नो एट मॉइस्चर. तो ये एक्टिविटी शो करती है कि फॉर द कोरोजन टू बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. ओके तो आप इसको पढ़ लें. बाकी सेकेंड पॉइंट इज रेसिडिटी. रेसिडिटी आपने देखा होगा आप घर में बहुत सी अच्छी खाना बनाइए सब्जी बनाइए शाही पनीर बनाइए मटर पनीर बनाइए रसगुल्ला बनाइए आप उसको कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं. सपोज आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई घर में और आप उसे कितने दिन तक आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं कभी आपने सोचा है. 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 5 घंटे 6 घंटे ये ना. अगर आप किसी खाने को काफी देर तक रखे रहेंगे तो क्या होगा उसमें एक गंदी सी महक आने लगती है फाउल स्मेल आने लगती है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिडिटी. व्हेनेवर ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट इन द फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर देन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन स्टार्ट्स एंड a foul smell, a bad smell starts coming out from the food. This process is known as rancidity. जब अपने जो खाना हमारा होता है हवा के संपर्क में आता है तो उसमें जो ऑयल और फैट्स जो प्रेजेंट होता है उसमें वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करता है और उसकी वजह से खाने से खराब महक आने लगती है बदबू आने लगती है खाने से. कितना भी अच्छा खाना हो हम उसे खा नहीं सकते हैं. ये प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाता है. फिर आप कहेंगे कि जो पैक्ड फूड आते हैं उसमें ऐसा क्या होता है कि वो बहुत दिन तक चलते रहते हैं. आजकल हर चीज़ पैक्ड अवेलेबल है. आप सब्जी ले लीजिए रसगुल्ला ले लीजिए पनीर ले लीजिए बटर ले लीजिए. आप कभी देखना हर पैक पे एक वैलिडिटी डेट लिखी होती है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स 4 मंथ्स वट एवर इज दैट होता है उसमें. उसमें क्या होता है जो ये पैक्ड फूड आता है उसमें कंपनीज एड एंटीऑक्सीडेंट्स आप याद कर लीजिए. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स पहले इसको मैं रब कर देता हूं. गैल्वनाइजेशन आपको इसका रिप्लाई आपको देना है कमेंट सेक्शन में. ओके अदरवाइज आई विल टेल यू ऑल्सो नो प्रॉब्लम बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्लाई.
एसिडिटी बता दिया मैंने आपको, इसमें क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स। एग्जांपल देखूंगा नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस यूज होती है BHT, BHA, ये तीन एग्जांपल्स हैं। क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स, मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर हमारा फूड पार्टिकल्स जो उसमें ऑयल वगैरह है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, बताया मैंने, फॉल स्मेल आएगी। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, दे आर दोस सब्सटेंस और दोस केमिकल्स व्हिच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कंपनीज इनको ऐड करती है उसमें। नाइट्रोजन गैस यूज होती है BHT, इट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन केमिकल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। These are the some examples of antioxidants. Okay, it is about the whole chapter, chemical reaction and equations. Your theoretical part is completed, and I will make next video. In that video, I will discuss the questions about this chapter. Okay, thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.